हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं व्हाट्सएप के कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने व्हाट्सएप चलाने का स्पीड थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर वन, फ्रेंड्स, अगर आपको किसी फ्रेंड की तरफ से या फिर किसी ग्रुप की तरफ से बहुत सारे SMS और वीडियोस आते हैं और इन सब को एक एक करके डिलीट करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक की मदद से फ्रेंड्स, आप उन सारे इमेजेस और वीडियोस को एक साथ डिलीट कर सकते हैं, वो भी बिना आपकी टेक्स्ट चैट को डिलीट किए बगैर। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप के सेटिंग्स पे जाना है, फिर डेटा एंड स्टोरेज यूजेस पे जाना है, फिर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स स्टोरेज यूजेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको उस फ्रेंड या उस ग्रुप को सर्च कर लेना है, फिर आपको मैनेज मैसेजेस पे क्लिक करना है। अब आप यहां से जो भी डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे क्लियर मैसेजेस पे क्लिक कर देना है। यहां पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा, इनमें से आपको क्लियर ऑल एक्सपेक्ट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद उस चैट के सारे चीज़ें डिलीट हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट किया था, से आपके जो सारे टेक्स्ट चैट है वो सेव हो जाएगा। ट्रिक नंबर टू, दूसरा जो ट्रिक है फ्रेंड, उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अगर आपको किसी भी ग्रुप या फिर किसी भी फ्रेंड का कोई भी मैसेज पसंद आता है और आप उन मैसेज को अपने व्हाट्सएप पर सेव करना चाहते हैं ताकि उस मैसेज को आप बाद में पढ़ सकें और अपने फ्रेंड को शेयर कर सकें, तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको उस मैसेज पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप उस मैसेज को सिलेक्ट करोगे तो आपको एक स्टार का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपका ये मैसेज सेव हो जाएगा। तो जैसे आप चाहे आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको व्हाट्सएप के 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टेड मैसेज का, इस पर आप क्लिक करके अपने सेव किया हुआ सारे मैसेज आप पढ़ सकते हो और आप चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ट्रिक नंबर थ्री, फ्रेंड्स, अगर आप अपने घर पे किसी पार्टी या फिर किसी फेस्टिवल के बेस्ट विशेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसमें फ्रेंड्स सबको एक एक करके मैसेज करना मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के 3 डॉट ऑप्शन पे क्लिक करना है। या फिर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू ब्रॉडकास्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको उन सारे फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप बेस्ट विशेस भेजना चाहते हैं या पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं। उनको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टिक कर देना है। अब आपका ब्रॉडकास्ट रेडी हो जाएगा। अब इसमें फ्रेंड्स आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो उन सभी फ्रेंड्स को चला जाएगा जिन्हें आप भेजना चाहते हैं और सभी को फ्रेंड्स अलग अलग मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक नंबर फोर, अगर आप अपने किसी इमेज और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप उन वीडियोस और इमेज के साइज को अपने आप ही कंप्रेस कर देता है। पर कई सारे ऐसे फोटोज़ और वीडियोस होते हैं जो आप नहीं चाहते कि वो कंप्रेस हो, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको अटैच आइकन पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको उन वीडियोज़ और फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है जिनको आप सेंड करना चाहते हैं, उसके बाद में आपको उन्हें सेंड कर देना है। ऐसे आपकी इमेज क्वालिटी कम नहीं होगी, उसका वही साइज रहेगा जो रियल साइज है। तो फ्रेंड्स ऐसे आप अपने फोटोज और वीडियोस को बिना कंप्रेस किए आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो। ट्रिक नंबर फाइव, अगर आप किसी भी व्हाट्सएप के चैट की हिस्ट्री को सेव करना चाहते हैं ताकि आप इसे बाद में भी देख सकते हैं अगर आपका फोन खराब हो जाए तो फ्रेंड्स आप उन चैट को ईमेल करके सेव कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको उस चैट पे जाना होगा जिन चैट को आप सेव करना चाहते हैं और वहाँ पर जाने के बाद 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके अंदर आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको टैप करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल चैट, उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि अटैच मीडिया या फिर विदाउट अटैच मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैट की हिस्ट्री में उस चैट की वीडियोस और इमेजेस भी रहे तो फ्रेंड्स अटैच मीडिया पे क्लिक करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट ही आपकी ईमेल पे सेव हो तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको विदाउट अटैच मीडिया पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स ईमेल आईडी डालकर उस चैट को सेंड कर देना है। अब आप जब भी चाहे उस चैट को बिना अपने व्हाट्सएप को ओपन किए आप अपने ईमेल के थ्रू वो चैट देख सकते हो, और आप अगर अपने चैट को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके ईमेल आईडी पर भी आप भेज सकते हो। ट्रिक नंबर सिक्स, फ्रेंड्स, अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स का व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स व्हाट्सएप अपने खुद का स्टेटस खुद ही डाउनलोड करके रखता है। इसलिए फ्रेंड्स व्हाट्सएप स्टेटस को एक बार देखने के बाद भी बिना इंटरनेट के भी बार बार देखा जा सकता है।
इसे डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको फाइल मैनेजर पे जाना है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप का फोल्डर पे क्लिक करना है और फिर आपको इसके अंदर मीडिया के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको तीन डॉट का एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, शो हिडन फाइल पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास फ्रेंड एक फोल्डर शो होगा स्टार्टस नाम का। इस फोल्डर में फ्रेंड्स आपको सारी स्टार्टस मिल जाएगी। अगर आप इन स्टार्टस को यूज करना चाहते हैं तो इस स्टार्टस को यहाँ से कट करके किसी दूसरे फोल्डर पे सेव कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही आपका फ्रेंड्स अपना स्टार्टस चेंज करेगा तो ये स्टार्टस हिडन फाइल से हट जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।